महामारी के इस दौर में जब भारत अब कम्युनिटी स्प्रेड COVID-19 के थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत सारी तकलीफ़ें बढ़ेगी, बहुत सारे पेशेंट बढ़ेंगे, और जो ये 40 से 45 दिन का ऑलमोस्ट लॉकडाउन हो चुका है, ये भी 50 से 55 दिन एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा। और इस दौरान लगे हुए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, पुलिस और सारी एजेंसियां, और इवन वो समाज सेवी जो अब समाज सेवा करते करते शायद अंदर से थकने भी लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी अब आर्थिक स्थितियां जवाब देने लगी है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग मिलकर इस महामारी से लड़ें। ये ऐसी विपत्ति है जिसे सबको जूझना है, आपको अपने आप को बचाना है, आपको अपने आप को, समाज को, परिवार को, देश को अगर बचाना है तो आपको अपने घरों में रह के ही कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कर सके प्रोडक्टिव, और बहुत विपरीत और विशेष परिस्थितियों में ही जब अगर बाहर जाना पड़े तो कम से कम 3 लेयर मास्क का इस्तेमाल करें, साथ में सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखें। और इस दौर में पत्रकारों से भी अपेक्षा रहेगी कि किसी भी न्यूज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सेंसेशनल बनाने के चक्कर में वो अपने आप को जोखिम में ना डालें, साथ ही किसी के आत्मसम्मान और भावनाओं से ना खेलें। और निश्चित तौर पर एक न एक दिन जल्दी ही ये देश इस विपत्ति से बाहर आ जाएगा, अब वो देखते हैं कि तब तक हम क्या खोते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि तब तक हम संयम, आत्मविश्वास बनाए रखें और इस देश की विपरीत परिस्थितियों में देश के लिए जो भी सबसे अच्छा कर सकते हैं जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।